कर बड़े तक ये तमाम लोग हम इसमें फंसे हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जो है बाद सलफ सालहीन के जो दुनिया के ताल्लुक से अख़वाल सुनी, एक सलफ का खौल है वो कहते हैं दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। बड़ा बेहतरीन खौल है, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है वो फरमाते हैं, और वाकई में दुनिया की मोहब्बत ही सारी बुराइयाँ हमारे अंदर ला रही हैं। दूसरा खौल है वो फरमाते हैं जिसने दिरहम और दीनार से मोहब्बत की वो जिल्लत और रुसवाई के लिए तैयार रहे। जिसने दीनार और दिरहम से मोहब्बत की, माल और दौलत से मोहब्बत की, वो दुनिया में रुसवाई के लिए तैयार है। माल और दौलत बुरी चीज़ नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसका होना बड़ी अच्छी बात है, तभी तो ज़कात दे सकते हैं, सदक़ात और खैरात कर सकते हैं, अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं, हज कर सकते हैं। मसला ये है कि इसके लिए जीना सबसे बड़ा इशू है, जीना है अल्लाह के लिए उसके दीन और शरीयत के मुताबिक, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें रास्ते में आती जाएंगी, फ़ायदा उठाते जाओ, चलते जाओ, नहीं भी आएंगी छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हमें अपना गोल अटेन करना है आखिरत। ये दुनिया की ज़िंदगी एक मैदान है जिसके अंदर हमें खेल कर आखिरत को पाना है, हमको लगा ये मैदान में ज़िंदगी गुजारना है, बस लगे इसके अंदर दिखावा, शान, शौकत, कपड़े, माल, दौलत, ऐश परस्ती, सब कुछ हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। ठीक है, माल और दौलत और औलाद के इजाफे में फ़ख्र, और इसी में हमारी दौड़ एक दूसरे से, उसका एक घर बन गया मेरा दूसरा कैसे बनता है, उसने दो घर बना लिया मेरा तीसरा कैसा बनता है, उसने टू व्हीलर ले लिया मैंने अब तक नहीं लिया, उसने फोर व्हीलर ले लिया मैं पीछे क्यों रहूँ, और मैं हर चीज़ करके वो चीज़ अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देखता हूँ कि एक मेरा भाई तहज्जुद गुजार भी फराइज़ के साथ, ठीक है कर रहा अल्लाह के लिए। तो दुनिया एम है, एम चेंज करना है, एम आखिरत को बनाना है, इंशाल्लाह दुनिया बीच में आती रहेंगी जाते रहेंगी, उसका मामला कोई मसला नहीं, दुनिया की 60-70 साल की ज़िंदगी गुजर जाएंगी, आखिरत की एक ऐसी ज़िंदगी जिसका हर दिन 50,000 साल के बराबर है, वो ज़िंदगी जीना है मेरे भाइयों, वो ज़िंदगी बहुत लंबी बहुत लंबी बहुत लंबी है, याद रखिए, ख़ासतौर से मेरी बहनें भी इस बात को याद रखी, इसलिए कि आपको ये चीज़ को समझना है और आपकी नई नस्लों को उसके लिए तैयार करना है कि हमारे बच्चों हमारा मेन गोल